फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार लेसन, और एक ऐसा लेसन जहाँ अक्सर मैं लर्नर्स को कंफ्यूज होते देखा हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम आर नेवर और हार्डली के बारे में। तो आइए फ्रेंड देखें कि इनका क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, ये सभी एडवर्ब्स हैं और इनका मतलब होता है शायद ही, या कभी कभी, या मुश्किल से ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब इंटरचेंजेबल हैं। आप इन सब को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें कोई फर्क है तो आपका सोचना गलत है। सेल्डम के जगह पर सेल्डम इफ एवर, या सेल्डम इफ एवर के जगह पर सेल्डम आर नेवर, या फिर आप हार्डली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं शायद ही चाय पीता हूँ, यानी मुश्किल से मैं चाय पीता हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ, मान के चलिए कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो फ्रेंड्स इस तरह के जज्बात जहाँ आप कहते हैं मुश्किल से ही या शायद ही को बोलने के लिए ये सभी टॉपिक्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं शायद ही चाय पीता हूँ, या मैं मुश्किल से ही चाय पीता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सेल्डम टेक टी। आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं आई सेल्डम इफ एवर टेक टी, आई सेल्डम आर नेवर टेक टी, या फिर आप ये कह सकते हैं आई हार्डली टेक टी। चाहे आप इनमें से कोई इस्तेमाल करें, सबका मतलब वही है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह शायद ही झूठ बोलती है, या वह मुश्किल से ही झूठ बोलती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी सेल्डम टेल्स अ लाई, या फिर आप ये कह सकते हैं सी सेल्डम आर नेवर टेल्स अ लाई, या फिर आप ये कह सकते हैं सी हार्डली टेल्स अ लाई। अगर आपको कहना हो कि वह घर पर शायद ही इंग्लिश बोलती है, या मुश्किल से ही इंग्लिश बोलती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी सेल्डम स्पीक्स इंग्लिश एट होम, या फिर आप ये कह सकते हैं सी हार्डली स्पीक्स इंग्लिश एट होम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह सभी टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, और आपने बखूबी समझा कि इन सभी वर्ड्स को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन सभी वर्ड्स को आप वर्ब के पहले इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।